बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फीचर्स जैसे कि मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, प्लग एंड प्ले वगैरह के फीचर्स की डिटेल्स देखी थी, और आज के लेक्चर में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सीखेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, उन सब की डिटेल्स देखेंगे। और डियर फ्रेंड्स, पिछला जो हमारा लेक्चर था वो पूरा थियोरिटिकल बेस्ड था, जबकि आज के लेक्चर में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देखेंगे। फ्रेंड्स, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें आपको तरह तरह के ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के जरिए ही यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है। विच मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे बल्कि मैनेज भी करते हैं, और अलग अलग तरह की मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर फंक्शनैलिटीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के जरिए आप एक वक्त में बहुत से काम अपने कंप्यूटर सिस्टम से करवा सकते हैं। तो इनमें जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है, जो सबसे पहला कंपोनेंट है, वो है डेस्कटॉप, देन माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, स्टार्ट बटन, टास्क बार, कंट्रोल पैनल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, द विंडो, और भी दूसरे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। और दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो आपको विंडोज के तमाम वर्जन्स में नजर आएंगे। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं, तो इन तमाम आपको वर्जन्स में ये तमाम कॉम्पोनेंट्स आपको नजर आएंगे। तो इनमें सबसे पहला है डेस्कटॉप। दोस्तों, जिस तरह आप अपने ऑफिस की या फिर स्कूल या फिर कॉलेज की मेज यानी डेस्क पर वो तमाम चीजें या फिर फाइल्स रखते हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कंप्यूटर में भी एक स्क्रीन होती है जिस पर आप बार बार यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स और फोल्डर्स को रखते हैं, और वो कंप्यूटर की स्क्रीन आपके कंप्यूटर की डेस्क कहलाती है, विच इज अ डेस्कटॉप स्क्रीन। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो लोडिंग होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आपको शो होगी वो बिल्कुल यही डेस्कटॉप स्क्रीन होगी। इट इज एक्चुअली द एंट्री पॉइंट ऑफ द विंडोज, यानी ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दाखिल होने का जो पहला पॉइंट है वो है डेस्कटॉप। और इस डेस्कटॉप पर आपको वॉलपेपर्स नजर आएंगे, अलग अलग तरह के आइकन्स, फोल्डर्स, मेन्यूज और दूसरी चीजें आपको इस डेस्कटॉप के स्क्रीन पर नजर आएगी। यानी क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है तो इस पॉइंट पर वो तमाम चीजें रखी होंगी जो आपको आपके कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स तक लेकर जाएंगी। तो ये तो इसकी थ्योरी थी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको बताती हूँ। दोस्तों, इस तरह की स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है, और जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो सबसे पहली स्क्रीन ओपन होगी वो यही डेस्कटॉप स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन पर वो तमाम चीजें प्लेस की हुई होती हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को बार बार यूज कर रही होती हूँ, इस फोल्डर को यूज कर रही होती हूँ, तो मेरे पास ये तमाम चीजें यहाँ आपको डेस्कटॉप पर नजर आएंगी, और अलग अलग लोगों के अलग अलग कामों से रिलेटेड उनकी अलग अलग चीजें इस डेस्कटॉप पर आपको नजर आएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो तमाम चीजें आपको दिख रही हैं ये कहलाती हैं आइकन, और आइकन्स के नीचे यानी ये जो तस्वीर है इसके नीचे इसी से रिलेटेड इसका नाम भी लिखा हुआ हो, यानी अगर ये गूगल क्रोम का आइकन है तो ये आपको बताएगा कि आप यहाँ से सर्चिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से मीडिया प्लेयर का एक आइकन है, और दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ मेन्यूज दिखेंगे, कुछ फोल्डर्स दिखेंगे, तो दरअसल इसीलिए इसको आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एंट्री पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर से ही आप कंप्यूटर में दाखिल हो सकते हैं और कंप्यूटर को शट डाउन यानी बंद भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका डेस्कटॉप स्क्रीन। आइए इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है माय कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट। दोस्तों, विंडोज की डेस्कटॉप स्क्रीन पर अक्सर आपको टॉप पर एक आइकन नजर आएगा, विच इज अ माई कंप्यूटर आइकन। उसे याद रखें, डेस्कटॉप पर दो तरह के आइकन्स होते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स और एप्लीकेशन आइकन्स। डेस्कटॉप आइकन्स उन आइकन्स को कहते हैं जो खासकर आपके कंप्यूटर सिस्टम के आइकन्स होते हैं, तो माई कंप्यूटर भी एक डेस्कटॉप आइकन है, और इस माई कंप्यूटर आइकन पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो जितनी आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होगी, हार्ड डिस्क की पार्टीशंस होंगी, उसकी डिटेल्स इसमें आपको नजर आएगी। और ये देखें, व्हेन यू डबल क्लिक द माई कंप्यूटर आइकन, इट शोज यू ऑल ड्राइव्स ऑन योर सिस्टम इंक्लूडिंग अ फ्लॉपी ड्राइव
और अ सीडी ड्राइव। तो एक और अहम बात कि दोस्तों वर्जन चेंज होने की वजह से अक्सर इस फोल्डर को, कहीं ये माय कंप्यूटर होता है, कहीं ये कंप्यूटर का फोल्डर होता है, कहीं दिस पीसी का होता है, तो विंडोज 10 के अंदर इसको दिस पीसी का नाम दिया गया है। आइए अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको एक दिस पीसी का फोल्डर नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर कंप्यूटर बना हुआ है। तो आप नाम पर नहीं जाइए, बल्कि जहां भी आपको ये कंप्यूटर बनी हुई तस्वीर नजर आएगी, आप ये समझ जाएं कि ये माय कंप्यूटर का फोल्डर है। तो डियर फ्रेंड्स, इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की तमाम इंफॉर्मेशन, कि आपके कंप्यूटर की एक पूरी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। साथ के साथ ये डिस्क की पार्टीशन वगैरह भी आपको नजर आ रही है कि आपकी डिस्क में कितनी स्पेस है, कहाँ कहाँ उसकी पार्टीशन हुई हुई है, उसके कितने हिस्से बने हुए हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस दिस पीसी के फोल्डर यानी माय कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर नजर आ सकती है। इसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो है रिसाइकल बिन। दोस्तों बिन के मानी होते हैं टोकरी, और रिसाइकल मींस वो तमाम खराब चीजें जो कि दोबारा ठीक करके इस्तेमाल की जा सकती हैं, रिसाइकल की जा सकती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसकी थ्योरी को देखते हैं। जब आप कंप्यूटर में कोई फाइल या फिर फोल्डर बनाते हैं, तो अक्सर आप कभी ना कभी किसी फाइल की, जिसकी उस वक्त आपको जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर से निकाल भी देते हैं, यानी डिलीट भी कर देते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो मुस्तकिल तौर पर डिलीट नहीं होती, बल्कि आपकी हार्ड डिस्क के फोल्डर में जाकर बैठ जाती है, और वो फोल्डर कहलाता है रिसाइकल बिन। दोस्तों ये इस तरह का एक आइकन आपके डेस्कटॉप पर नजर आएगा, और इसके नीचे लिखा होगा रिसाइकल बिन, जहां आपके कंप्यूटर की डिलीट फाइल्स मौजूद होंगी, और अगर आप उन्हें परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पर अपने कंप्यूटर से डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी आपको इसी फोल्डर में जाकर उन्हें डिलीट करना होगा, तब जाकर वो डिलीटेड फाइल्स मुस्तकिल तौर पर आपके कंप्यूटर से बाहर निकल जाएंगी। और अगर आप उनको दोबारा अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये काम भी आपको इसी फोल्डर के अंदर जाकर करना होगा। अब आइए ये कैसे होता है मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। दोस्तों यहाँ आपको सबसे टॉप पर एक आइकन दिख रहा होगा, विच इज अ रिसाइकल बिन, और ये आइकन आपको बताता है कि यहाँ पर आपको एक टोकरी नुमा नजर आ रही है, जो कि आपको ये बताती है कि ये आपकी डिलीटेड फाइल्स के लिए बनाया गया एक फोल्डर है। अब दोस्तों आपको डेस्कटॉप पर, दोस्तों यहाँ आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है ICS पार्ट 1 के नाम से। अब मैं जब इस फोल्डर को डिलीट करूंगी, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद राइट क्लिक करूंगी, तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, एक मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आएगा, तो उसमें एक ऑप्शन है डिलीट का, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि ये फोल्डर यहाँ से चला जाएगा। अब जब आप इस फोल्डर को दोबारा से देखना चाहते हैं, क्योंकि याद रखें आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी चीजें आपने डिलीट कर दी हैं, आप उनको दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे गलती से वो चीज डिलीट हुई हो, तो वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको इस रिसाइकल बिन के फोल्डर में मिलेगी। अब मैं इस पर जब डबल क्लिक करूंगी तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि आपका ये डिलीट शुदा फोल्डर आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब आप इस फोल्डर से दो काम कर सकते हैं, यानी ये जो रिसाइकल बिन है ये आपको दो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, कि आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करें, तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, यानी दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, दोबारा से अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, और या फिर आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। जैसे जब मैंने इसे डिलीट का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि क्या आप इसको मुस्तकिल तौर पर डिलीट करना चाहते हैं, और जब मैं यस कर लूंगी तो यहाँ से ये फोल्डर अब मुस्तकिल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए मेरे कंप्यूटर से चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके रिसाइकल बिन के फोल्डर की फंक्शनलिटी। इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट है वो है माय डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों ये एक फोल्डर होता है माय डॉक्यूमेंट्स के नाम से, या फिर डॉक्यूमेंट के नाम से। अब अक्सर विंडोज 7, 8 और 10 में ये सिर्फ डॉक्यूमेंट के नाम से एक फोल्डर मौजूद होता है, और ये आप क्रिएट नहीं करते, बल्कि जब आप विंडोज को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन विंडोज इस फोल्डर को क्रिएट करती है। तो इसका काम होता है कि इट इज अ डिफॉल्ट फोल्डर फॉर स्टोरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ
डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है जिनका आपने कोई इक्वेशन डिफाइन नहीं की होती। दोस्तों जब भी आप किसी भी वर्ड की फाइल को सेव कर रहे होते हैं, किसी भी पावर पॉइंट की फाइल को सेव कर रहे होते हैं, तो वहां पर लोकेशन भी होती है। तो अगर आप वहां पर लोकेशन नहीं डिफाइन करते कि मुझे यहाँ पर किसी परमानेंट फोल्डर के अंदर ये सेव करवानी है, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करती है, तो वो बाय डिफॉल्ट इस माय डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर जाकर खुद से सेव हो जाएगी। यानी इस माय डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर वो तमाम चीजें, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपकी सेव होंगी जो कि आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगी, जिनकी कोई लोकेशन आपने डिफाइन नहीं की होगी। आइए अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको नजर आ रहा है एक फोल्डर विच इज अ डॉक्यूमेंट फोल्डर। आप मैंने आपको जैसे बताया कि कहीं पर ये माय डॉक्यूमेंट के नाम से होता है, कहीं पर डॉक्यूमेंट के नाम से होता है, और जब मैं इसको क्लिक करूंगी और देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मुझे इस फोल्डर के अंदर नजर आ रही है। इसी तरीके से कुछ और फोल्डर्स भी होते हैं जो कि आपकी विंडोज क्रिएट करती है, जैसे कि डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, जहां पर बाय डिफॉल्ट जिनकी कोई लोकेशन आप डिफाइन नहीं करते वो तमाम चीजें यहां पर जाकर सेव होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर तमाम टेक्स्ट फाइल्स, पिक्चर्स के अंदर तमाम इमेजेस, वीडियोस के अंदर तमाम वीडियोस और म्यूजिक के अंदर तमाम ऑडियोस। तो दोस्तों ये फंक्शनैलिटी आपको आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जिन फाइल्स की आप लोकेशन नहीं फराहम करेंगे तो वो फाइल्स आपको इन तमाम फोल्डर्स में जो कि विंडोज ने क्रिएट किए होते हैं आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला आपका ऑब्जेक्ट है वो है विंडोज एक्सप्लोरर। दोस्तों जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये एक इस तरह की एप्लीकेशन होती है, एक इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी विंडोज को एक्सप्लोर कर सकें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल्स को तलाश कर सकें। और ये अक्सर फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी आपको नजर आएगा। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, विंडोज एक्सप्लोरर एक्ट एज अ डायरेक्टरी ब्राउजर एंड फाइल मैनेजर फॉर विंडोज। यानी इस फोल्डर के जरिए आप अपने सिस्टम में मौजूद तमाम फोल्डर्स और फाइल्स को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इट इज एन एफिशिएंट वे फॉर लोकेटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स। यानी एक बहुत ही ज्यादा एक मुख्तसर तरीकेकार होता है जिसके जरिए आप अपनी तमाम फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका विंडोज एक्सप्लोरर, जिसमें आपको तमाम फाइल्स, आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइलिंग सिस्टम है वो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप है तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस नुमा चीज नजर आ रही है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में जितने भी फोल्डर्स आपके डेस्कटॉप पर मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप पर इस वक्त 3 फोल्डर्स मौजूद है, तो इन तमाम फोल्डर्स की डिटेल्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी तरीके से उन फोल्डर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे ये ऑल चैप्टर्स के अंदर कुछ ये इस तरह से कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं उनको दिखाएगा। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं और डाउनलोड्स में क्या क्या चीजें हैं, यानी जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं वो आपको इस विंडोज एक्सप्लोरर की शक्ल में, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की शक्ल में, एक ट्री की शक्ल में आपको नजर आ जाएगी, जो कि आप डायरेक्टली इसको इस जगह से भी एक्सेस कर सकते हैं, तमाम फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, उनकी रीनेमिंग कर सकते हैं, यानी उनका दोबारा से नेम रख सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो तमाम चीजें आपको ये विंडोज एक्सप्लोरर प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो अगला कॉम्पोनेंट है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों जिस तरह क्रोम एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, इसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर ही है, जो कि आपको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना होता, बल्कि जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर के अंदर खुद ही से वेब ब्राउजर की शक्ल में इंस्टॉल हो जाता है। मीन्स ये विंडोज की तरफ से आपको मिलता है और इस पर आप सर्चिंग कर सकते हैं, कुछ डाउनलोडिंग कर सकते हैं और दूसरी फैसिलिटीज इससे हासिल कर सकते हैं, इसीलिए इसको एक पावरफुल वेब ब्राउजर भी माना जाता है। अब आइए मैं आपको इसकी डिटेल दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक इस तरह का आइकन नजर आ रहा है और ये कहलाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि विंडोज का अपना वेब ब्राउजर है,
और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब ब्राउजिंग, एक क्रोम की शक्ल का एक वेब ब्राउजर खुल जाएगा, जहां पर आप सर्चिंग कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इंटरनेट के ऊपर अलग अलग वेब ब्राउजर के ऊपर आप चीजें सर्च करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है द विंडो। दोस्तों विंडो, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज पर ही क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज, चाहे वो मेन्यूज हो, बटन्स हो, कोई स्क्रीन हो, डेस्कटॉप हो, सब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह, यानी इस तरह से एक चकोर डब्बे की तरह का नजर आएगा। यानी विंडोज की जो की मानित, जैसे एक विंडो होती है जो कि एक चकोर डब्बे की मानित होती है, आपने हमेशा विंडोज को देखा होगा, आपके घरों में जो खिड़कियां होती हैं वो भी एक चकोर डब्बे की मानित होती हैं। तो विंडो का जो थीम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो थीम है, वो भी इसी की मानिंद है। यहाँ पर आपको जो भी चीज नजर आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आइकन है, तो ये भी आपको इसी शेप में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में नजर आएगा, विंडो की शक्ल में नजर आएगा। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा, जो मेन्यू खुलेगा, वो भी आपको इसी की तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये टाइल्स नजर आ रही है, ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, विच मीन्स कि विंडो का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो ये विंडो का फीचर है। क्योंकि इसमें हर एक ऑब्जेक्ट आपको एक चकोर डब्बे यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में दिखेगी। अब तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसके बाद जो इसका अगला फीचर है वो है टास्क बार। दोस्तों वक्त की कमी के बायस हमें अपने लेक्चर को यहीं रोकना पड़ेगा। अगले लेक्चर के अंदर हम मजीद विंडो के ऑब्जेक्ट्स, यानी और कौन कौन से कंपोनेंट्स आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, जैसे कि स्टार्ट बटन, टास्क बार, आइकन्स, फोल्डर्स, इन सब की डिटेल्स आपको देंगे और इसी तरीके से प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।